दोस्तों, जिंदगी एक अद्भुत सफर है और यह सब एक छोटी सी कोशिका से शुरू होता है। प्रजनन यानी नई जिंदगी बनाने की प्रक्रिया जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस प्रक्रिया के बीच में होता है शुक्राणु कोशिका, जो प्रकृति का एक छोटा सा चमत्कार है। यह छोटी सी कोशिका एक बहुत बड़े सफर पर निकलती है अपने अंदर एक नई पीढ़ी का नक्शा लिए हुए। शुक्राणु कोशिकाएं पुरुषों में होती हैं और ये महिला अंडाणु को निषेचित करने का काम करती हैं। इनकी बनावट इस मुश्किल काम को करने के लिए एकदम सही है। शुक्राणु कोशिका का हर हिस्सा इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए शुक्राणु की संरचना की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि यह जीवन के चमत्कार में कैसे योगदान देता है। इस अद्भुत यात्रा में सबसे आगे होता है शुक्राणु का सिर। इस अंडाकार संरचना में सबसे कीमती चीज होती है आनुवंशिक सामग्री। यह डीएनए एक नए व्यक्ति को बनाने के लिए जरूरी निर्देशों का आधा हिस्सा अपने साथ लेकर चलता है। सिर के अंदर कसकर बंद यह आनुवंशिक जानकारी आंखों के रंग से लेकर लंबाई तक सब कुछ तय करती है। इस महत्वपूर्ण डीएनए की सुरक्षा के लिए सिर के चारों ओर एक मजबूत खोल होता है। यह खोल एक हेलमेट की तरह काम करता है, जो यात्रा के दौरान आनुवंशिक सामग्री को किसी भी नुकसान से बचाता है। सिर का सुडौल आकार भी इसे तरल पदार्थों के माध्यम से आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है, जिससे इसे अंडाणु तक पहुंचने में आसानी होती है। सिर के सुरक्षात्मक खोल के ठीक नीचे एक खास संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। यह टोपी जैसी संरचना निषेचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्रोसोम को आप एक जैविक तोड़-फोड़ करने वाले हथियार की तरह समझ सकते हैं। इसमें एंजाइम होते हैं जो अंडाणु के संपर्क में आते ही निकल जाते हैं। ये शक्तिशाली एंजाइम अंडाणु की बाहरी परत को घोल देते हैं, जिससे शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने और अपनी आनुवंशिक सामग्री पहुंचाने का रास्ता मिल जाता है। इस प्रक्रिया को एक्रोसोमल प्रतिक्रिया कहा जाता है, जो निषेचन में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक सही काम करने वाले एक्रोसोम के बिना शुक्राणु अंडाणु की सुरक्षा को भेद नहीं पाएगा। चौथा भाग, मिडपीस, सफर को ऊर्जा देना। सिर के पीछे होता है शुक्राणु का पावर हाउस, मिडपीस। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं, जो कोशिका के ऊर्जा कारखाने होते हैं। ये छोटे अंग एटीपी का उत्पादन करते हैं, जो कोशिकाओं की प्राथमिक ऊर्जा मुद्रा है। शुक्राणु कोशिकाओं को अपनी कठिन यात्रा के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मिडपीस में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया बिना रुके काम करते हैं, जिससे शुक्राणु की पूंछ को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ईंधन मिलता है। इस ऊर्जा स्रोत के बिना शुक्राणु रास्ते में ही फंस जाएगा और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। पांचवां भाग, पूंछ, जीवन को आगे बढ़ाना। शुक्राणु की पूंछ, जिसे फ्लैगेलम भी कहा जाता है, इसका प्रणोदन इंजन है। यह लंबी चाबुक जैसी संरचना मिडपीस से निकलती है और शुक्राणु की उल्लेखनीय गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है। पूंछ की संरचना एक चाबुक के समान होती है, जिसमें सूक्ष्म नलिकाओं का एक केंद्रीय कोर होता है, जो प्रोटीन के एक म्यान से घिरा होता है। ये सूक्ष्म नलिकाएं एक दूसरे के पीछे खिसकती हैं, जिससे एक लहर जैसी गति पैदा होती है, जो शुक्राणु को आगे बढ़ाती है। यह गति महिला प्रजनन पथ, जो एक जटिल और चुनौतीपूर्ण वातावरण है, को नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। शक्तिशाली लयबद्ध संकुचन उत्पन्न करने की पूंछ की क्षमता शुक्राणु की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।